गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम ऑफ CR इंटरनेशनल स्कूल। डियर स्टूडेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट योर चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड द ग्रोथ। सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पॉपुलेशन ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ हुई है वो हमेशा एक जैसी नहीं रही है। अगर हम हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हुई है वो किस तरह से आपकी ग्रोथ हुई है। जो एक इस ग्राफ से हम लोग इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए, इस ग्राफ में जो दिखाया गया है, दैट इज़ हमने इसमें तीन कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट हमने दिया है 1200 बिफोर द प्रेजेंट, 12,000 एक्चुअली, आज से प्रेजेंट से 12,000 साल पहले जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 0.25 बिलियन थी, यानी कि 1 बिलियन का फोर्थ हिस्सा हमारे पास थी। फिर हमने सेकंड पार्ट जो लिया वो है 1750 से 1800 का जो टाइम है, यानी कि 1700 में जो हमारी शुरुआत होती है तो जो पॉपुलेशन थी हमारे पास वो थी 0.50 बिलियन, यानी कि आधा बिलियन हमारे पास पॉपुलेशन थी। और अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो जो पॉपुलेशन है दैट इज़ मोर देन 7 बिलियन, कि आज जो हमारी पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। तो ये जो ट्रेंड हमें देखने को मिला है पॉपुलेशन ग्रोथ का, इनटू पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट रहा है। पॉपुलेशन स्टार्ट में जब हमारे पास हम बात करते हैं बिफोर 12,000 ईयर्स एगो, हमारे यहाँ पे जब एग्रीकल्चर का काम होना स्टार्ट हो गया था तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है बहुत स्लो रहा है। पॉपुलेशन धीरे 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 करके बढ़ी है आफ्टर 750 एंड 1800। इस समय अगर आपने देखा तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल डेवलपमेंट का समय था। इस समय बहुत तेज़ गति से विकास हुआ है, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, कॉलोनियल जो दूसरी कंट्रीज़ ने अपना अधिकार किया है उसकी वजह से, अत्यधिक टेक्नोलॉजी आने की वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई एकदम से बहुत सूट अप हो गई, यानी कि बहुत तेज़ गति से यहाँ पे पॉपुलेशन का विकास हुआ है। इसके जो फैक्टर भी दिए गए हैं हमारे पास, कि फैक्टर क्या रहे हैं हमारे पास इतनी तेज़ गति से जो पॉपुलेशन हमारे पास ग्रो हुई है, द फर्स्ट इज़ सैनिटेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों में साफ़ सफाई या मेडिकल फैसिलिटी आने की वजह से जो हमारे पास बर्थ रेट था वो इंक्रीज हो गया और जो डेथ रेट था वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन हमारे पास इंक्रीज हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आ गई है, इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास डेवलप हुई है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो गया है। तो ये सब सारी चीज़ें होने की वजह से ये जो पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है वो डिफरेंट रहा है। इसमें अगर हम इस बात को समझें तो हम लोग एक दूसरे ग्राफ से भी हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन का जो डबल हुई है या पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हुई है किस तरह से हुआ है। आप इस ग्राफ दूसरे ग्राफ में समझ सकते हैं कि 1830 से जो हमारी पॉपुलेशन है वो शुरू हुई है, तो उस समय हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन थी और इसको 2 बिलियन होने में हमारे 100 ईयर्स लगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी 1 बिलियन की जो इंक्रीमेंट हुआ है वो विद इन 30 ईयर्स में हमारी 1 बिलियन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है वो नेक्स्ट जो हमारे पास 1960 से 1975 सिर्फ 15 साल के अंदर फिर से जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास 1 बिलियन की इंक्रीज हो गई है। ऐसे अगर हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास 1975 के बाद जो हमारे पास 5 बिलियन, उसके बाद जो 5 बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन हुई है उसको 5 बिलियन होने में सिर्फ 12 साल का समय लगा। इसी तरह से 1987 से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं 1919 पे हम जाते हैं तो 6 बिलियन पॉपुलेशन होने में 12 साल का टाइम लगा। इसी तरह से 2011 तक जो हमारे पास टाइम रहा है वो अगेन हमारे पास 7 बिलियन एंड मोर देन दैट इट इज़ ऑलरेडी आवर पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीज एंड ऑल दिस टुक 12 ईयर्स। तो इन सबको करने में हमारे पास 12 साल का समय लगा है इस चीज़ को इंक्रीज होने में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो हमारी पॉपुलेशन वो डबल हुई है, यानी कि हमारा जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया है वैसे वैसे जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ साथ टाइम कम होता गया है और उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा होता गया। लगभग आधे समय के अंदर जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो डबल होती गई। जैसे 1830 से 1930 हमारा 100 ईयर लगे, 1930 से 1960 30 साल के अंदर हमारे पास 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई और नेक्स्ट 15 ईयर के अंदर हमारे पास 4 बिलियन। तो
1930 से अगर हम 1975 की बात करें, 45 ईयर्स, यानी कि पहले जो 100 ईयर्स लगे थे उसमें से आधा समय ही लगा 4 बिलियन होने के लिए, और अभी जो 45 लगा उससे अगर हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे पास 1987 2011, तो उसमें भी हमारे पास जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो लगभग आधे समय के अंदर हमारे पास इस पॉपुलेशन का ट्रेंड रहा है। सो दिस वाज द ट्रेंड कि हमारे इंडिया या हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से इंक्रीज हुई है, कितना समय लगा है इसको। पहले अगर हम बात करते हैं तो शुरुआती दौर में जो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हुआ था वो स्लो था, देन हमारा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोड होगी पॉपुलेशन, बहुत तेज़ गति से हमारे पास पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप इस ग्राफ के हेल्प से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर उसके अलावा फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।